Hey guys, welcome and welcome back to my channel Like Kishoris. Hope you guys are doing well and are safe at home. This is mid of June और मानसून जस्ट स्टार्ट होने ही वाली है. हमारे यहाँ तो शायद स्टार्ट हो भी चुकी है. हर एक दिन बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और साथ ही साथ बढ़ रहा है हेयर प्रॉब्लम्स. तो आज मैं आपके साथ डिटेल में मानसून पे होने वाली हर एक हेयर प्रॉब्लम्स, उनके कॉजेज, उनके सॉल्यूशंस और कुछ प्रिकॉशंस के बारे में भी डिस्कस करूँगी. तो वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो पे एक लाइक तो ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यूट्यूब टोटली फ्री है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. मॉनसून पे मेनली स्टिकी हेयर यानी कि चिपचिपा बाल, फ्रीजी हेयर, डैंड्रफ, इची स्कैल्प और हेयर फॉल प्रॉब्लम बढ़ती रहती है. इन पांचों प्रॉब्लम क्यों होती है और इनसे छुटकारा मिलने का सॉल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगी. अगर ये पांचों प्रॉब्लम के अलावा भी कोई और प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. मेनली इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. आपने एक चीज़ शायद नोटिस किए होंगे कि आधे सीजन पे नहाने के बाद जितनी जल्दी हमारे बाल सूख जाते हैं ना, इस टाइम उतनी जल्दी हमारे बाल नहीं सूखते. दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी. और इस टाइम ना हमारे स्कैल्प से बहुत ज़्यादा ऑयल भी सिक्रेशन होने लगती है. दैट इज़ वाई हमारे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिपचिपा लगती है. तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप अपने शैम्पू का यूज़ किया करें. जैसे कि आधे सीजन पे अगर हफ्ते में दो बार शैम्पू करते थे तो इस टाइम ना हफ्ते पे मिनिमम 3 टाइम आप शैम्पू किया कीजिए. और ख्याल रखिए कि आपके जो शैम्पू है वो कोई क्रीम बेस्ड शैम्पू ना हो. जेल बेस्ड शैम्पू इज़ बेस्ट फॉर मानसून. वीक पे एक बार आप दही के साथ एक स्लाइस ऑफ लेमन जूस मिला के एक पैक बनाइए और पूरे स्कैल्प और हेयर लेंथ पे अप्लाई कीजिए और 1 घंटा बाद बालों को माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए. इससे आपकी बालों की चिपचिपाहट बिल्कुल चली जाएंगी. बारिश के साथ बहुत सारे डर्ट्स और इम्प्योरिटीज़ भी बहने लगती है. तो जब भी आप बारिश पे भीगते हो इसके वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं और आपके जो बालों की नेचुरल ग्लो होती है वो भी चले जाते हैं. तो जब भी आप बारिश पे भीगो ट्राई टू क्लीन योरसेल्फ विद प्लेन वाटर. ये सिर्फ आपके बालों के लिए ही नहीं, आपके स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है. और हेयर को फ्रीज फ्री रखने के लिए यू कैन यूज़ ऑलिव ऑयल इंस्टेड ऑफ एनी अदर हेयर ऑयल. और आप एक हेयर बैग भी यूज़ कर सकते हो. बनानों को स्मैश करके उसके साथ ऑलिव ऑयल मिक्स कर ले और हेयर की मिडिल एंड से एंड तक अप्लाई कीजिए. इस मास्क को आपको स्कैल्प पे यूज़ नहीं करनी है. दिस इज अ मैजिकल पैक, एक बार यूज करके देखो आप इसे. बारिश पे होते हुए इम्प्योरिटीज और डर्ट्स हमारे स्कैल्प पे डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ा देती है. तो इसके लिए हेयर रिंस इज बेस्ट. अब ये हेयर रिंस क्या है भाई? बहुत तरीके के हेयर रिंस होती है, मैं आपको उसके बारे में अलग से किसी वीडियो में बताऊंगी. फिलहाल मानसून पे डैंड्रफ की प्रॉब्लम के लिए ये वाला हेयर रिंस सबसे बेस्ट होती है. 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच रॉ एप्पल सिडर विनीगर और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी ऑयल ऐड करके ये हेयर रिंस बनानी है. नहाने से पहले ही आप किसी मग या फिर ग्लास पे ये हेयर रिंस रख दो किसी बाथरूम के किसी कोने पे. और नहाने के बाद ये हेयर रिंस आप सर से लेके यानी कि स्कैल्प से लेके पूरे बाल पे डाल दो और इसी तरीके से आपको ड्राई करके रख देनी है. फिर से बालों को धोना नहीं है. इसी तरीके से यानी कि हेयर रिंस को डालने के बाद जस्ट आप हेयर को ड्राई कर लीजिए और ऐसे ही आप अपने बालों को रहने दीजिए. अब बाहर से इम्प्योरिटीज आ रही है, स्कैल्प से भी ऑयल निकलने लग रहे हैं तो पोर्सेस तो बंद हो जाएंगे ही ना. और पोर्सेस बंद हो जाने से ना स्कैल्प पे छोटे छोटे दाने दिखने लगते हैं और स्कैल्प बहुत ज़्यादा ईची हो जाती है. तो इसके लिए आप सिर्फ प्लेन एलोवेरा जेल को अपने स्कैल्प पे मसाज किया कीजिए और आप जो माइल्ड शैम्पू यूज़ करते हैं उसके साथ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल. ये बेस्ट होती है इचिनेस की प्रॉब्लम के लिए. ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है इस टाइम, अगर इस टाइम आप अपने बालों को ज़्यादा टाइटली टाई करके रखोगे ना तो आपके बाल ऑलवेज फील लाइक डैम्प. ऑलवेज आपको लगेगा कि आपके बाल डैम्प ही है. तो ज़्यादा टाइटली बालों को टाई ना करके रखिए इस टाइम. टाइटली टाई, व्हाट अ वर्ड.
तो ऑलवेज कोम योर हेयर व्हेन इट इज ड्राई, ड्राई बालों को ही आप कोम कीजिए, डैम बालों को नहीं। एंड टैंगल फ्री हेयर ऑलवेज लुक हेल्दी। वैसे तो दिन में 8 से 10 बालों का गिर जाना इज क्वाइट नॉर्मल। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वैसे ही हमारी स्कैल्प से हेयर भी फॉल होती ही है। पर इस टाइम ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए तो आप एक आंवला की पेस्ट बनाइए और उसके साथ एक चम्मच शहद और एक स्लाइस नींबू का रस मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को आपको मिनिमम हफ्ते में 2 बार यूज़ करनी है और इस पेस्ट को अप्लाई करने के मिनिमम 1 घंटा या फिर 2 घंटा बाद ही आपको शैम्पू करनी है। मोर ओवर इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करनी है। कोकोनट वाटर इज बेस्ट फॉर ऑल दोज प्रॉब्लम्स। हो सके तो कोकोनट वाटर भी इंटेक किया कीजिए। और जो हेयर स्टाइलिंग टूल्स होती है ना, जैसे कि स्ट्रेटनर, कर्लर, हेयर ड्रायर, ये सब टूल्स आपको जस्ट पैक करके किसी और जगह पे रख देनी है। इस टाइम तो ये सब टूल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। वैसे ही इस टाइम हमारी हेयर जो फॉलिकल्स है वो बहुत वीक रहती है। बाहर से अगर ये सब आप यूज़ करोगे ना, तो आपकी हेयर डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनफैक्ट आपको परमानेंट हेयर डैमेज भी हो सकती है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, मोर स्माइलिंग, लेस वरी। टाटा।